क्या काम कर रही है जो वक्त नहीं मिला? तू चाहती नहीं है कि मेरी नस्ल आगे बढ़े, तो वक्त की रोटी तो पकानी होती है, उसको भी जता रही है तू मुझको? नहीं, मैं जता नहीं रही। अरे बस चुप। हाय हाय, कैसे नेक आदमी पे इल्जाम लगा रही है? अब इस घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता, और आपके जज्बाती होने का खमियाजा मुझे भुगतना होगा। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। आप प्लीज खुद को संभालिए, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ऑफिसर, आप जैसे चाहे इंक्वायरी करें, मैनेजमेंट आपके साथ, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ पूरा ताउन हो। भाई, अलासिफ बस टर्मिनल जाना है, कितने पैसे लेंगे? 450 तो बहुत ज्यादा है। तो बहुत है। अच्छा भाई चले। एक कमबख्त मेरे बेटे के नसीब को खा गई, मनहूसियत खा गई मेरे बेटे के बख्त को। मैंने तो उन्हें रोका था नाश्ते के लिए, लेकिन वो रुके ही नहीं। अरे नगोड़ मारी, नाश्ते के लिए रोका क्यों? बनाकर आगे रख क्यों नहीं दिया? घूस है एक तो, ऊपर से सुस्त और कायल, जब दबा हो मेरी नजरों से, दोपहर की हांडी देख। और सुन, एक कप चाय पहले बना दे मेरे लिए। हाँ बनाती हूँ। घूस ना हो तो कमबख्त हमारे जिंदगी अजाब करके रख दिए इसने। रायला, रायला, ये ले जाए। वो अम्मा ने कहा था बाबा जी के पास चली जाना, गई क्यों नहीं तू? जी मैं कल चली जाऊंगी, आज बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला। वक्त नहीं मिला? ऐसे क्या हाथी घोड़े जोत रही है तू घर में? क्या काम कर रही है जो वक्त नहीं मिला? सारा दिन घर के काम वगैरह। कौन से काम कर रही है तू घर में? दो वक्त की रोटी तो पकानी होती है, उसको भी जता रही है तू मुझको? नहीं नहीं, मैं जता नहीं रही। मैं तो... अरे बस चुप, अगर ज्यादा बोली ना तो तेरी जबान खींच कर चुटिया से लपेट दूंगा मैं। बढ़िया से हाथ आगे बढ़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ। तुझ पर औलाद की बंदिश है, सख्त बंदिश। तो बाबा मुझे क्या फिर कभी औलाद नहीं होगी? बंदिश है तो इसका तोड़ भी है, तुझे 30 रोज मुस्तकिल यहाँ आना होगा। ये रख, ये तुझे रोज घर में जलाने हैं, याद रख नागा ना हो। अरे कमबख्त मारी, तुझे कहा था ना बाबा के पास बिना नागा जाने। अरे अपनी खुशियों के पीछे क्यों पड़ी है? मेरा भी दिल चाहता है मेरे आंगन में पोते पोतियां खेले। नसीब में हुआ ना तो जरूर ऐसा होगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्या क्या कहा तूने? नहीं जाएगी? हाँ नहीं जाऊंगी वहाँ। ले सुन ले, तेरी बीवी क्या कहती है? कह रही है बाबा के पास नहीं जाऊंगी। अरे पहले खुद मनहूस है, अगर इसके मनहूसियत खत्म करने का इंतजाम करो तो कैसा सा जवाब देती है? तूने सुना नहीं कि अम्मा क्या कह रही है? आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? उस इंसान की नजरें अच्छी नहीं है। हाय हाय, कैसे नेक आदमी पे इल्जाम लगा रही है? देख अब इस घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। कोई नेक वेक नहीं है, एक नंबर का पाखंडी इंसान है वो। अच्छा तो जो अम्मा कह रही है वो गलत कह रही है क्या है? अरे तू चाहती ही नहीं, तू चाहती नहीं है कि मेरी नस्ल आगे बढ़े। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तुझे। अरे तलाक दे दूंगा मैं तुझको, लेकिन तमाशा नहीं बनूंगा अब मैं। चल हट।
तेरे जैसी औरतें ऐसी जूतियां खाती हैं। देखना अब तेरी बर्बादी शुरू हो गई। बाबा पे इल्जाम लगा रही है। अरे तेरे कर्म फूट गए, बर्बाद होगी तू मनुष्य। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा है ही कौन। मैं कहाँ जाऊंगी? आप भले दूसरी शादी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज? और तू होती कौन है एतराज करने वाली? और तेरी औकात क्या है? सही कहते आप, मेरी औकात क्या है? मैं तो आपके घर में नौकरानी बन के रह लूंगी। मुझे तलाक मत दे, हाथ जोड़ दे। वो फैसला हो चुका तेरा, कर चुका मैं तेरा फैसला रायला। निकलना तो पड़ेगा तुझे इस घर से। अम्मा ठीक कहती है, तेरी नहुसत खा गई इस घर की खुशियों को। चली जा इस घर से। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मेरी तरफ से भाड़ में जा, लेकिन ये ढकोसलेबाजी मत कर और एक बात सुन ले कान खोल कर। अगर तूने ये रोना गाना और किया ना तो अभी के अभी तलाक दूंगा मैं तुझे। निकल निकल इस घर से, बस चल जा यहाँ से, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। अरे एहसान कर रहा हूँ तुझ पर जो तेरी मर्जी पर छोड़ रहा हूँ, तलाक देकर भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। चली जाए यहाँ से। बच्चा चोरी हुआ है या गैप? ये सारी बातें तो वहां जाके ही पता चले। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी राहिला, तुझे बात बनाने वाली करनी चाहिए थी। अब ये बता कहाँ जाएगी, क्या करेगी? ये कराची शहर है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तुम नहीं जानती समीना, मैंने तो उसके आगे हाथ भी जोड़े लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं पिघला। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे और खाला के सिवा मेरा है ही कौन? देख राहिला, ये खाला मामू ये सब रिश्ते तब तक हैं जब तक माँ जिंदा है, उसके बाद कोई अपना नहीं। अम्मा तुझे कभी नहीं रखेगी। और रही मेरी बात, तो मैं अपने शोहर से क्या कहूंगी, कैसे साथ रखूंगी? समीना अब तुम बताओ, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी मैं? मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि किसी को बोलकर तेरी कहीं नौकरी लगवा दूँ। छोटा मोटा काम लग जाएगा तो जिंदगी का पहिया चलने लगेगा। और तू फिक्र मत कर, जो भी होगा अच्छा ही होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ तब बस कोशिश करूँ ही नौकरी लग जाए, तो तुम्हारे ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती।
वक्त कौन आ गया? तुम अब क्या लेने आई हो यहाँ? जीतों में शर्म नहीं है तेरे क्या? मुझे बशीर से बात करनी है। अरे कहाँ घुसी आ रही? अरे जा जा, न जाने कहाँ मुंह काला करके आई है। अरे 10 महीने के बाद आकर कह रही है कि ये बच्चा मेरा बेटेगा। तेरे किरदार पर इल्जाम लगाने से पहले ये सोच ले कि आप अपने ही खून को गाली दे रही है। बशीर, मैं आपसे कहती थी ना कि सबर कर ले, लेकिन नहीं, आपने मेरी बात नहीं मानी। ले अब संभाले अपने बेटे को। पर मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा बच्चा है? बशीर, एक बार सीने से लगा कर तो देखे, खून जोश ना मारे तो बोलना। इधर संभाल अपने बेटे। बशीर, अरे ये ड्रामा कर रही है। इसको पता चल गया होगा कि तू दूसरी शादी कर रहा है, इसलिए नहुसत फैलाने आई है ये। ठहर जा रायला, तू कहीं नहीं जाएगी। बशीर पागल हो गया क्या? मैं लड़की वालों को क्या जवाब दूंगी? जो दिल चाहे कह दे अम्मा, लेकिन अब रायला यही रहेगी। हाँ, जी ठीक है सर, फिलहाल बराबर अस्पताल से। ठीक है ठीक है, गाड़ी निकलवा देती सर। जी सर, वैसे जाना कहाँ है? ब्लॉक 12 वाले अस्पताल में बच्चा चोरी। सर बच्चा चोरी हुआ है या गैर? ये सारी बातें तो वहां जाके ही पता चले। चलो जल्दी। ओके सर। जी बीबी, कहाँ है वो औरत? सर मैं कुछ नहीं जानती सर, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तकरीबन 1 साल से वो यहाँ काम कर रही थी। उसने ऐसा क्यों किया मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। निगहत, वो आप ही के रेफरेंस से आई थी, मैंने रिकॉर्ड चेक किया है। आप गलत बयानी से काम ना लें। मैम, मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रही, बिलीव मी। वो तो बस देखो, जो बात भी है साफ साफ बताओ, क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रही? सर मैं राहिला को पर्सनली नहीं जानती। मेरी मोहल्लेदार समीना ने कहा था कि इसको काम की जरूरत है, मैंने इसलिए इसको रखवा दिया था। डाल दिए आपने मटर? टमाटर डाल दिए? हाँ, बहुत महंगाई कर देते हैं आप लोग। ये ले। एक्सक्यूज मी। अरे निगर, कैसी हो? अरे समीना, तुम यहाँ पर? ये बताओ, आज अस्पताल नहीं गई? नहीं, आज नाइट शिफ्ट थी, सोचा कुछ खरीदारी कर दूँ। यार निगर, तुमसे एक काम था, अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? यार मेरी एक खालाजाद बहन है और उसके शोहर ने उसको घर से निकाल दिया, उसका आगे पीछे कोई है भी नहीं। क्या तुम उसको अपने हॉस्पिटल में कोई नौकरी दिलवा दोगे? अरे ऐसा करना कि तुम उसको आज मेरे पास भेज दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निकल तुम्हारा। अरे तो शुक्रिया की क्या बात है, कोई मसला नहीं, आओ चले आगे। अरे रायला, हो गई बात? जी बाजी, उन्होंने कहा कल सुबह आ जाओ काम पे। अरे वाह, मुबारक हो, यानी तुम कल से काम पे आ रही हो। हाँ बाजी, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हें रोजगार मिल गया, यही बड़ी बात है। अच्छा मैं कल सुबह आ जाऊँगी काम पे। हाँ ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जज्बाती होने का खमियाजा मुझे भुगतना होगा। डॉक्टर फैसल, आप देख लीजिए कि जो आपने करना है।
मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। वो यहाँ यहाँ काम कर रही थी और मेरी और उसकी शिफ्ट्स भी अलग अलग टाइम में होती थी। निगत, आप कितने अरसे से यहाँ हैं? आपको नहीं पता कि किसी अनजान शख्स को ऐसे रेफर नहीं किया गया? सर, मैं जज्बाती हो गई थी उसकी बातें सुन के। और आपके जज्बाती होने का खमियाजा मुझे भुगतना होगा। डॉक्टर फैसल, आप देख लीजिए कि जो आपने करना है। इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, इस हॉस्पिटल की भी रेपुटेशन का सवाल है। और किस तकलीफ से गुजर रहा है वो कपल, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर साहब, ऑफिसर, आप जैसे चाहे इंक्वायरी करें, मैनेजमेंट आपके साथ, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ पूरा ताउन। वो तुम्हारी मोहल्लेदार औरत कहाँ है? वो तो जानती होगी ना उसका पता। जी, मैं गई थी उसके घर। वो दो दिन पहले हैदराबाद के लिए निकल गई थी, कल आ जाएगी वापस। ठीक है, जब तक वो औरत नहीं आती आप हमारी हिरासत में रहेंगे। सर, मैम, तूने सारे मोहल्ले के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। लड़की वाले अलग थू-थू कर रहे हैं, और देख तूने उस लड़की के साथ भी बहुत ज्यादती की है। शादी से एक दिन पहले मना कर दिया। अम्मा, तुम्हें कब से किसी की ज्यादती की फिक्र होने लगी? हाँ हाँ, यही दिन देखना था। ये मुझे बैठ के ताने दे और तू सुनता रहे। हाँ हाँ अम्मा, बस मुझे तो यही दिन देखना था। मेरी औलाद हो, मैं अपने घर में उसके साथ खेलूं, बस यही दिन देखना था मुझे। वैसे बशीर, एक बात है, मैं उस दिन उस बाबा के पास गई थी, उसने मुझे पढ़ने के लिए दिया और मैं वो पढ़ती थी। तू पढ़ती थी? हाँ माँ, मैं सारे वर्ड पढ़ती थी। देखा, मैं ना कहूँ ये काया पलट कैसे हो गई, और तू उस नेक बुजुर्ग पे इल्जाम लगा रही थी। हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई थी, बाद में मैं पछताई बहुत। देख, ये बुजुर्ग बड़े पहुंचे हुए होते हैं, पर तू तो हमें अपना दुश्मन समझती थी। संभाल के अम्मा, संभाल के। सर, आपको नर्स की बातों पे कितना यकीन है? सिर्फ नर्स की बातों को ही नहीं सुना मैंने। सर, क्या उसके अलावा आपने किसी और को भी सुना है? सुना तो किसी को नहीं तारिक, मगर उसका चेहरा उसकी बातों का साथ दे रहा। यानी वो सच बोल रही थी? शायद। तो क्या आपको अभी भी उस पर यकीन नहीं है? यकीन तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त जब उसकी बातों की सच्चाई के सबूत मिलते। मेरे ख्याल में हम लोगों को उसके घर की तलाशी लेनी चाहिए सर। वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब सर, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? बच्चा चोरी करने वाले किसी भी सूरत निशान छोड़ के नहीं जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ से बच्चा चोरी होने के निशान मिले, ये भी हो सकता है कि हम उन लोगों तक पहुँच जाएं। ठीक है, मेरे ख्याल है तुम वहाँ जाओ, उसके साथ साथ ज़रा समीरा नामी औरत को भी अगर अभी मिले तो ले आऊँ। नहीं नहीं, जल्दबाजी से काम नहीं। ओके सर। अभी सिर्फ तुम उसको बताओ ताकि वो खुद ही आए। ओके सर। Veena, control yourself. How? पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। देखिए, आप प्लीज खुद को संभालिए। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। डॉक्टर, आपकी वजह से हम यहाँ आए थे, पर हमें ये रिजल्ट मिला। देखिए, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा सपना है, लेकिन प्लीज प्लीज नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है और हम लोग बहुत जल्द आप जानती हैं, इस वक्त मेरे बच्चे को मेरे पास होना चाहिए था। डॉक्टर, ये कितना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए भी और इनके लिए भी, मैं तो उसको देख भी नहीं सकी। We'll be right back.
क्या हुआ इन्हें? ये सीढ़ियों से गिर गए। आप कौन हैं इनके? कोई नहीं, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी जिस कंपनी के साथ काम करती है ये उसी कंपनी में काम करते हैं। क्या कह रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हमारे ऑफिस आते जाते रहते हैं। आपने इनके घर वालों को इत्तला दी? हाँ मैंने इनके घर वालों को इत्तला कर दी है। ठीक है आप जाएं, मैं चल रही हूँ। सर यही है रहीला के घर का मालिक मकान। हम इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो फिर तुमने उसे अपना घर कैसे दे दिया? सर मोहल्ले में उसकी एक कजन रहती है। हाँ तो तुम्हारे पास उस बंदी का कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह कोई अता पता कुछ भी नहीं? सर मुझे माफ कर दे, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। बगैर जांच पड़ताल तूने घर दे दिया और कहता है मैंने कुछ नहीं किया? सर मुझे माफ कर दो। किसी किराएदार को घर बिना कवायद को देना और सब कुछ जाली और कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है फिर एक काम करो, अब अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम हो तो सबसे पहले हमें बताना। सर बिल्कुल ऐसे ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। ठीक है अभी तुम जा सकते हो। अरे अगर वो बंदी आ जाए तो मुझे कॉल करो, अभी मैं इलाके में जा। ओके सर। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास बेस्ट टीम मौजूद है डॉक्टर्स की, और वैसे भी बीना को तुम्हें पहले मन से ही देख रही हूँ। मैडम आप यहाँ मौजूद हैं तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कौन सी टीम मौजूद है। बहुत मुबारक हो जनाब, डैडी बन गए, वो भी प्यारे से बेटे के। अरे मुबारक, प्यारा तो उससे होना ही था। जी हाँ माशाल्लाह की मिसेस प्यारी है। एक्सक्यूज मी, मैंने इसलिए कहा कि वो मुझ पर गया है। अच्छा अब बीना कैसी? शी इज ऑल राइट अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ घंटे में वो नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन बेबी को हमें कुछ घंटे नर्सरी में रखना पड़ेगा। क्या सर नफरी भी तैयार करवाऊं? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि नफरी की जरूरत पड़े। अगर कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का इश्यू होगा तो मुझे। अरे डॉक्टर फैसल आप सुबह से हॉस्पिटल में हैं, आते 11 बज रहे, अपना भी कुछ ख्याल दिया करें। मेजर सर्जरी थी, रुकना जरूरी था। एनीवे प्लान क्या है? मैं तो अभी ऑफ करूंगी, आपको भी मेरे ख्याल में घर चलना चाहिए। डॉक्टर वर्दा आप नाइट में हैं आज? जी डॉक्टर। ओके तो फिर चलें। डॉक्टर वर्दा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप किसी टाइम पे भी मुझे कॉल कर सकती हैं। ऑलराइट डॉक्टर आइए। Thank you.
मुझे नहीं पता था कि वो इस किस्म की हरकत करेगी। मैंने तो तरस खाकर निकल से उसकी बात की थी। अब कहाँ है वो? मैं नहीं जानती वो कहाँ है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हैदराबाद में उसका ससुराल था, और मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो हैदराबाद में कहाँ रहती है। कमाल है, हमारी खालाजाद है और तुम्हें उसका ससुराल तक नहीं मालूम। जब उसकी शादी हुई हमारा आना जाना बंद था, और मैं तो उसकी शादी में भी शरीक नहीं हुई थी। बस मुझे इतना पता है कि वो शादी कर कर हैदराबाद गई थी। बशीर नाम है उसके शोहर का, और उसने ये भी बताया था कि वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। गाड़ी निकलवाओ, हम हैदराबाद की। ओके सर। क्या सर नफरी भी तैयार करवाओ? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि नफरी की जरूरत पड़ेगी। जो कुछ होगा समीना के बताए हुए एड्रेस पर ही मालूम। ओके सर। इलेक्ट्रिशियन बशीर? हाँ, उसकी बीवी का नाम राहिला और उसकी माँ का नाम किशोर सुल्ताना है। हाँ हाँ, वो इलेक्ट्रिशियन बशीर, लेकिन वो बहुत पहले काम करता था इलेक्ट्रिशियन का, शायद अब वो नौकरी कर रहा है कहीं। कहाँ रहता है वो? मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ वो काम करता था शायद वो लोग जानते हैं। ले चलो हमें वो। तो सब खैरियत है ना? ये कहानी फिर कभी सुनाएंगे, अभी चलो। बस ये रुको। अरे आ रहे हैं भाई, कौन है? अभी तुम्हारा नाम बशीर है? जी जी। लेकिन आप लोग क्यों आए? बीवी कहाँ है तुम्हारी? वो तो घर में है, लेकिन लेकिन हुआ क्या है? अरे रुक सर, अंदर घर में औरतें हैं, क्या हो गया? क्या हुआ बेटा, ये सब क्या है बशीर? बुलाओ अपनी बीवी को। लेकिन हुआ क्या है? जी ये मेरी बीवी, लेकिन हुआ क्या है? तुम्हारी बीवी अस्पताल से बच्चा लेकर भाग गई, तुम्हें इल्म तक नहीं, ले चलो इन्हें। देखा बशीर, मैं कह रही थी तुझे इस पे भरोसा नहीं करना। बच्चा चोरी क्या मतलब सर? ले चलो इन्हें। अरे मेरे बेटे का क्या कसूर है? इस हराफा ने जो किया हमें नहीं पता, इसने तो इतने अरसे बाद आकर कह दिया कि ये बच्चा इसका है। चलो लेके। सर सर हमें कुछ नहीं पता सर। चलो चलो लेकर आओ उसे। सर कहाँ ले जा रहे हैं सर? सुने कहीं नहीं पता सर। बखत दबाओ यहाँ से। अरे
मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो? लेके जाने तो इस मनोज को लेके जाओ। बशीर मैंने कहा था इस पर भरोसा न कर। तो चाहता है तुझे अपने हाथों से मार। वो इतना बड़ा धोखा दे रही थी तू मुझे। तो मार दो ना, तुम और कर भी क्या सकते हो। वो तेरी जबान की तेजी नहीं गई, वो हया नहीं आती तुझे अभी भी इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी। गुनाह तो मैंने किया है, वो सजा भी काटूंगी। सुकून तो ये कि चार दीवारी मिल गई मुझे। लेकिन बशीर, तुम जैसे इंसान को सजा कब मिलेगी? जो औरत को इस हद तक पागल कर देते वो सही गलत में फर्क करना भूल जाती है। जैसे मैं इतनी अंधी हो गई थी, किसी और औरत की गोद उजाड़कर अपना घर बसाने चली थी। अरे बशीर, मैं तो उस बच्चे के साथ दो दिन रही थी, लेकिन फिर भी उसे नहीं भूल पा रही। उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा? जाओ, चले जाओ यहाँ से, कर लो तुम दूसरी शादी। और हाँ, अगर उससे भी तुम्हें औलाद ना हो ना, तो उसे भी छोड़ देना। तुम्हारी तो चौधराहट चलती है। जाओ यहाँ से, करो जो तुम्हें और तुम्हारी माँ को करना है।